नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट में। मेरा नाम है अशोक साहू और आप देख रहे हैं ये RVSM 1135 जो कि लगभग आज 50 दिन ऊपर हो चुकी है। और इसकी अगर मैं बात करूं फूल की तो काफ़ी अच्छे फूल इसमें खिले हुए हैं। तो किसान भाइयों, इस समय फूल बढ़ाने के लिए काफ़ी किसान भाई जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं टॉनिकों का, तो उससे एक फ़ायदा भी देखने को मिलता है और नुकसान भी। वो फ़ायदा कब देखने को मिलता है हम इसी वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे, नुकसान कब होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। जो कि कुछ किसान भाई होते हैं कि जो अपने सोयाबीन में फूल बढ़ाने के लिए दवाई का स्प्रे करते हैं, वो करते हैं लगभग फूल स्टार्टिंग के आने जब फूल आना स्टार्ट होते हैं तब करते हैं, तो वो समय काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप खेती करते हो और आपको समय का नहीं मालूम और समय पर काम नहीं करते तो वो काम हमारा 100% फेल जाता है। तो उससे उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब हमारी फसल फूल आना स्टार्ट होता है तभी आप प्रयोग करें, तो आप अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मार्केट में काफ़ी तरह के टॉनिक उपलब्ध है जो दावा करते हैं कि फूल बढ़ जाते हैं। मैंने कभी आज तक प्रयोग नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको एक राय दे रहा हूँ कि आप समय पर काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि जो फूल बढ़ाने के लिए मतलब लगभग 50-55 दिन की हो जाती है उसके बाद प्रयोग करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो देखने को नहीं मिलता, आपको नुकसान ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप इस समय पर स्प्रे करेंगे तो आप ये जो फूल देख रहे हैं वो फुहारे से मतलब प्रेशर होता है फुहारे का, उससे ये फूल भी खिलने के चांस रहते हैं मतलब झड़ने के चांस रहते हैं। और नए फूल तो आने की बात छोड़ो क्योंकि उनके दिन अभी निकल गए हैं। मतलब जब पौधा जब बड़ा हो जाता है तो वो फलियाँ बनने लगती है और आप उस समय फूल बढ़ाने की दवाई का स्प्रे करेंगे तो वो नुकसान ही होगा, मतलब फूल तो बढ़ेंगे नहीं और फायदा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप जब आप फूल बढ़ाने की दवाई का प्रयोग करें तो लगभग 40-45 दिन के अंदर ही करते हुए, जिससे क्या होए कि हमारी जो वो भी आप वेराइटी के ऊपर डिसाइड करें, अगर अगेती वेराइटी है तो थोड़ा जल्दी करें 30 दिन के बाद ही कर देवे, और अगर पिछेती वेराइटी है तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर अगर आपको फूल नज़र आने लगे तो उस समय कर देवे। और बात करते हैं कि क्या हमारी जो सोयाबीन की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। आप फिलहाल ये हाइट देख रहे हैं, अभी इसमें ज़रूरत है अपन को हाइट घटाने की, मतलब जो सोयाबीन की ओवर हाइट हो चुकी है आप देख सकते हैं लगभग मेरे कमर तक आ रही है, तो उसकी दवाई का प्रयोग करना हमें ज़रूरी होता है। क्योंकि उसके लिए आप ताबोली जैसी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, एक और वो आती है जो हम कल्टास वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि इसकी हाइट घटेगी और ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाएगी इसकी और आपको फलियाँ फूल फलियाँ अच्छी आ जाएगी। तो अब प्रयोग कर सकते हैं, आप किसान हो आप इतना जानते ही होंगे। तो किसान भाइयों यही था मेरा एक सुझाव कि आप फूल बढ़ाने की दवाई का प्रयोग कब करें और कब नहीं। अगर आप समय पर काम करोगे तो आपको देखने को भी मिलेगा रिजल्ट, और दवाई कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई ख़राब नहीं होती है, सभी दवाइयाँ प्रॉपर अच्छी तरह होती है और मार्केट में जब भी आती है चाहे वो पास होकर आती है, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। जितना पानी कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं कि इतना पानी में आप प्रयोग करें तो आप उतने ही पानी में प्रयोग करें, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करें तो दवाई फैल जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।